इसका नाम है कालिया। 36 खून कर चुका है। इस पर इतने मामले दर्ज हैं जिनकी गिनती मुश्किल है। कौन है ये लड़की? याद आ गया मुझे। ए, ये तो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ कि राघव भाई पे जो हमला हुआ था उसके पीछे इसका ही हाथ है। ए, भाई को फोन लगाओ। भाई, दुर्गा भाई का फोन है। हाँ बोलो। भाई, आपके लिए खुशखबरी है भाई। जल्दी से यहाँ तशरीफ ले आइए। जल्दी गाड़ी निकाल, कालिया के यहाँ जाना है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ लड़के। ए, पकड़ लो इसे। ऊंचे और 3 फुट चौड़े आदमी को मारने के लिए तू इस 2 फुटिया को लेकर आई है? तूने हम लोगों को ठीक से पहचाना नहीं है। इस चिलगोजे को मारने के लिए तो मेरे लौंडे ही काफी हैं। ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से। दुर्गा के पास सिर्फ आने का रास्ता होता है, लेकिन जाने के लिए दुर्गा से इजाजत लेनी होती है। यहां से जाने का सोचना भी मत। ये पिस्तौल फेंक दे वरना ये जान से जाएगी। कितनी बार समझाया है लेकिन तुम हो कि बाजी नहीं आती। घर में हमारे लिए माँ पुलाव बना रही है, बिरयानी बना रही है, कबाब बना रही है, लेकिन ये सब तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है? तुम यहाँ चली आई, यहाँ तुम भी मरोगी और साथ में मैं भी मरूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये कालिया बहुत ही खतरनाक है। ये गांजा पीता है, गांजा खाता है, गांजे पे सोता है और उसके बाद
पीछा करो उनका। जी कहिए। बद्रीनाथ कहाँ है? हाँ? बहुत पर निकल आए हैं क्या? एक एक को अंदर करके उल्टा लटका दूंगा।
इंस्पेक्टर को भी नहीं बख्शोगे? है कहाँ वो? खाना पीना चल रहा है या मौज मस्ती में लगे हैं? इंस्पेक्टर सर, बहुत जल्दी है एसीपी बनने की, जो रॉब झाड़ने चले आए। आइए सीएम साहब आइए, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। हाँ, तुमने बुलाया तो आना ही पड़ेगा ना। और बताइए, ऐसे सलाम करना नहीं सिखाया? हाँ? इंस्पेक्टर, मेरे आदमी गांजे की खेती से गांजे सुखाकर उसका रस निकालकर उसका पाउडर बनाकर थैली में भरकर गाड़ियों में लादकर बड़ी मुश्किल से शहर ले जाते हैं, फिर उसे बांटते भी वही है। इस कारोबार को करने के लिए मुझे पुलिस और मिनिस्टर को भी संभालना पड़ता है, मगर अचानक बेमौसम बरसात की तरह पुलिस की वर्दी पहनकर तुम्हें बरसना जरूरी था क्या? और उस पर आधी रात को यहाँ मरने चले आए, अपने बाप डीआईजी और दादा सीएम के सामने तुम्हें मार डालूं तो क्या बिगाड़ लोगे? मेरी गाड़ियों में गांजा हो सकता है, नकली नोट हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे आदमियों पर हाथ उठाकर तुमने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह। ये हैं जानकी, ये सिविल सप्लायर ऑफिसर हैं। इनकी जान इनके बेटे में बसी है, कोई इनके बेटे को कुछ भी बोल दे तो उसकी खैर नहीं। और कितना वक्त लगेगा, देर हो रही है? अरे जनाब, सेटिंग करने में वक्त लगता है। मेरा क्या दिमाग खराब है, मैच कौन देखता है? आज मेरा बेटा आ रहा है। ये हैं राम बाबू, ये भी सिविल सप्लाई ऑफिसर हैं। ऑफिस में ये बीवी के करीब ही बैठते हैं, अपनों के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये है नंदा, मतलब नंद गोपाल वर्मा। ये राम बाबू के पड़ोसी हैं, जो महानगर पालिका में क्लर्क हैं। इनकी सबसे बुरी आदत है फटे में पैर डालना। क्या बात है दीदी, यही सोच रही है ना कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ, कॉफी के वक्त पहुँच ही जाता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने, यही तो सोच रही थी मैं। मुझे इसीलिए आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका खून खोल उठेगा। राम बाबू, आप जानते हैं मेरे बेटे को एक और कंपनी ने कॉल किया था, आपके बेटे का कुछ फोन किसने उठाया, आपने या उसने? सिर्फ मैं ही कॉल रिसीव करता हूँ, आई ओनली रिसीव कॉल, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। ज्यादा उड़ने वाले ही उनके बल गिरते हैं। जानता हूँ आप भला क्यों खुश होंगे, जलन जो हो रही है आप लोगों को। अरे हमें किस लिए जलन होगी, हमें क्या पता नहीं तुम्हारे बेटे ने कितनों के हाथ पैर जोड़कर आईआईटी पास की है। वक्त पर गधे को बाप बना लो तो वो भी रहम कर ही देता है, वो मेहनत करता है और तुम ठहरे आयश आदमी, सूट बूट पहनकर बैंकॉक पता नहीं कहाँ कहाँ गोल खिलाकर आते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप अपने बेटे को तैयार करके साफ सुथरा करके शो पीस की तरह रखेंगे तो चार दिन में धूल जम जाएगी। सुन रही हो, हमारे बेटे को कैसे रखना है हम जानते हैं, माँ बाप जीते ही अपनी औलाद के लिए है, इसीलिए हम तकलीफ उठा रहे हैं ताकि हमारे बेटे की आने वाली जिंदगी आसान हो जाए। एक बात बताइए, आपका बेटा करता क्या है? अरे उसे काम करने की जरूरत ही नहीं है, उसका काम तो टीवी जैसा है। जॉब टीवी? हाँ, टीवी का रिमोट कैसे काम करता है वैसे वो काम करता है। खाना तो हाथ से ही खाता होगा ना? नहीं, वो भी रिमोट की तरह डायरेक्ट मुंह में ही जाता है। भाई साहब, मेरे बेटे का मजाक मत उड़ाइए, भला उसे अपने हाथों से खाने की क्या जरूरत है जब मैं उसे अपने हाथों से खिलाती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा आखिर करता क्या है? उसे काम करता देखकर हमारी जान निकल जाती है, इसलिए हम उसे कोई काम नहीं करवाते। घर कब आता है वो? कोई काम पर जाएगा तब तो बता सकते हैं कि कब वापस आएगा, आवारा गर्दी करने गया हो तो। इससे पहले कि हम धक्के निकाले भाई, इसी में खुद दफा हो जाए। आप दोनों एक साथ क्यों बोल रहे हैं? एक के बोलने से तुम पर असर नहीं होगा, समझे? मेहरबानी। आपका बेटा वाकई किस्मत वाला है। अरे यार, एक झलक उधर तो देख, कब से बोल रहा था ना लड़की चाहिए, दिल से याद किया, लड़की हाजिर। ओहो, रुकिए रुकिए, क्यों बे, अंधा हो गया क्या? We'll be right back.
अंधेरे में दिखाई नहीं दिया तो क्या हुआ? सुनाई तो दिया, गाली किसने दी है? अरे मैंने दी है, क्या उखाड़ेगा? अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो गाली मैंने दी थी। उसने भी नहीं, मैंने दिया है। अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से कल्टी मार ले। सड़क के कुत्तों की तरह मुझे भौंकना नहीं आता, यही मेरी कमजोरी। और जब मारना ही है तो झुंड को क्या देखना। ए, किसी अधमरे को मारना मेरी शान के खिलाफ है, तो फिर ये तो मरने वाला है। खैर छोड़ो भाई, अब सबसे पहले ये बताएं कि गाली किसने दी थी? हाँ बोलो भाई, इसी ने आपको गाली दी थी? इसी ने गाली दी थी? इसी ने? बोलो ना, इसी ने गाली दी थी? इसी ने दी थी? हाँ भाई, इसी ने गाली दी थी भाई, इसी ने दी थी? इसी ने दी थी? इसी ने दी थी? इसी ने? इसी ने दी थी? बस अब बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आवाज पहचान ली है। तुझे हाथ देखना आता है? देख, इसे कहते हैं लाइफ लाइन। यह है दिमाग की, यह है दिल की, और ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना, इसे कहते हैं किस्मत की लकीर। अगर इस हाथ से मैं तुझे बचाऊंगा ना, तो तेरी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन मैं तेरी किस्मत संवारूंगा। आया समझ में? नहीं। और किसी को कुछ समझना बाकी है? लेकर जाओ इसे। आइंदा किसी लड़की की तरफ आंख भी उठाई ना तो जिंदा काट दूंगा। यहाँ क्या कर रही थी? गाड़ी बंद हो गई थी। बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरी सहेली आ रही है। अरे चलो, उनका भरोसा नहीं, वो फिर से आ सकते हैं। चलो। और मैं? तुम गाड़ी ठीक करा कर ले। ठीक है। इसमें गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस है, संभल कर। हाँ लड़की के लिए मुझे भूल गया, ठीक है। जल्दी आने की कोशिश करना। लड़की के चक्कर में सलीम ने रिश्ता छोड़ दिया और तूने अपने दोस्त को छोड़ दिया। सही है। कहाँ छोड़ूं आपको? कलीना यूनिवर्सिटी लेडीज हॉस्टल। हमेशा ये याद रखना कि बाहर निकलने से पहले गाड़ी में पेट्रोल चेक कर लिया करो, पर्स में पैसे देख लेने चाहिए, रास्ते में पेट्रोल पंप कहाँ है ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो रास्ते में ऐसे शैतानों से पाला पड़ सकता है। पेट्रोल खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। अब ऐसे क्यों देख रही हो? फिलहाल हम दोनों की नाव एक ही कश्ती में सवार है। आपके पास भी पैसे नहीं है ना? मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। अब क्या करूं मैं? किसे फोन करूं? करीब में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। स्कूटी ठीक हो गई? शुक्रिया। इतनी जल्दी कैसे स्कूटी ठीक हो गई रे? मैडम, आधी रात को इस तरह सन्नाटे से गुजरना ठीक बात नहीं है। इस बार तो मैं वक्त पर आ गया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि हर बार मैं ही वक्त पर पहुंचूंगा। बात पर गौर करना। अबे कुछ खाया नहीं है क्या? जरा जोर तो लगा। दो दिन से तेरे साथ घूम रहा हूँ मैं, अब वो घर से निकाल देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। एक आइडिया बताता हूँ तुझे, मेरे हिसाब से चलेगा तो कभी तेरे अब्बा सवाल तक नहीं करेंगे, बल्कि उनका जीना हराम हो जाएगा। बोल, किसने कहा तुझसे कि मेरी दूसरी बीवी है? बोल, जल्दी बोल। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुमने कहा था मेरी दूसरी बीवी है, मेरे बेटे से बोला था कि नहीं? कल से इन दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। मेरा घर उजाड़ कर क्या हासिल होगा तुझे? मेरे किरदार को दागदार करके ही तुझे सुकून मिलेगा क्या? अगर आपकी कोई दूसरी बीवी नहीं है तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये बात इन्हें कौन समझाएगा? यार तूने तो मजाक का पहाड़ बना दिया। ऐसे कोई मजाक करता है क्या? इसने मुझसे कहा कि आपने इसका जीना हराम कर रखा, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको भी पता चले। मुझे सबक सिखाएगा? दूर क्या एक। तुझे पता है उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू किसे कहते हैं पता है? अरे कभी दिया होता तब तो पता होता तुझे। आप इसे इंटरव्यू की तैयारी कराइए, मुझे तो तेज भूख लगी है। मैं घर जाकर मछली फ्राई चावल खाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि साला इंटरव्यू होता गया है। उनके यहाँ मछली और चावल पका है, हमारे यहाँ करेला की सब्जी, बेहतर है वहीं खा ले। जा रहा हूँ। माँ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दीजिए। वैसे आज आपने क्या बनाया है? मछली के साथ चावल बनाए हैं तेरे। इसे कहते हैं माँ की ममता। आपको पता चल गया कि मुझे क्या बताना? तो होटल वालों को पड़ता है कि क्या खाने का मन है, माँ को बताने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। देखा ना, मेरी माँ का कोई मुकाबला नहीं है। सूर्या बाबू, सत्या बाबू, रत्ना बाबू, राजा बाबू, कोई भी आए, इस सिटी सेंटर इलाके में बाला भाई से पंगा लेने की किसी में हिम्मत नहीं है। पता नहीं है क्या, यही आपका राजा बाबू है क्या? मार खाने के लिए कितना उतावला है, कितनी तेजी से आ रहा है। कमीने, सोच समझ कर किसी पर हाथ उठाया कर, वरना किसी दिन पिट जाएगा। अबे तूने मुझ पे हाथ उठाया? अरे मर गया, मर गया। अरे मैंने क्या किया? तुम्हारे दोस्त को मारा, पर क्यों मारा बता दी क्या? क्यों मारा ये बताएगा? मारा ही क्यों? अरे बाप रे, इस सिटी सेंटर में बाला पे हाथ उठाएगा तो दुनिया से उठ जाएगा।
क्या कहा? दुनिया से उठ जाएगा। ए, कम ऑन। अच्छा, बुला दो। अरे कहाँ मर गए कमीनो? अब आएगा असली मजा। ए, तुम लोग घास वगैरह चरते हो क्या? जरा देखो तो खुद को, ऐसी हालत में मेरे साथ लड़ोगे तो जरूर मरोगे। अब आएगा असली मजा। भाई रुको, अब बताना। भाई, भाई एक मिनट तो दे दो मुझे। बताना यार। परेशान पड़ जाएगी, कैसे बताऊंगा भाई? अबे तेरी एक मिनट तो बता दो, बता दो। रुक, कहाँ जा रहा है? असली बात बताता हूँ तुझे। मंगल के दिन मैं हाथ ही उठाता, कल आके दिखाऊंगा तुझे अपना एक्शन। मंगल को तो मेरे लिए सब एक जैसे ही है। रुक तेरी तो। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया? सुबह सुबह किस मनोज की शक्ल देख ली थी मैंने। अब आप यहाँ पर क्या कर रही है मैडम? आज तो आपकी स्कूटी ठीक है ना? तुम सिर्फ अपना काम करो। सुन बे, इस बिल्डिंग में दाखिल होने के 16 और बाहर निकलने के 16 रास्ते हैं। मेरा टाइम वेस्ट मत कर, इज्जत से बाहर आ जा। मेरे लिए अपना टाइम क्यों खराब कर रहे भाई? मैंने पहले ही बहुत मार खा लिया है, अब तो बख्श दो। निकल तेरी तो। तुम मुझे दौड़ाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा, छोड़ दूंगा। अरे अब क्या, बच्चे की जान लोगे? जानते नहीं इसको, इसके चर्बी कम करनी पड़ेगी। एक मिनट, ए रुक। तुम हमेशा लड़ते झगड़ते क्यों रहते हो? किसी से दुश्मनी लेने का शौक नहीं है मुझे। कोई मेरे दोस्त को मारेगा तो मैं क्या उसको छोड़ दूंगा? अय्ये साहब आइए, वो रहा, देखिए आइए। अय्ये साहब, इसी ने मुझे मारा। कौन है सर आप? मैंने तो आपको देखा तक नहीं। क्या कमाल का एक्टर है साहब, मेरी शक्ल देख रहे हैं ना? इसने मुझे दौड़ा दौड़ा के पीटा है। आप इनसे पूछ सकते हैं, आप बताइए क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी सर, ये सच बोल रहा है। देखे साहब, कितना झूठ है ये। तुम चलो, चलो हमारे साथ, चलो चलो आ जाओ। क्या किस्मत पाई है, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। सुबह इंटरव्यू, शाम को पुलिस स्टेशन, मजा आ गया। तबीयत खुश हो गई आज। इस पे चार्ज लगाओ और इसे अंदर कर दो। एक मिनट सर, ऐसी भी क्या जल्दी है, मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूंगा, उसके बाद चैप्टर क्लोज। अच्छा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा? जी हाँ, हालात काबू में नहीं रहेंगे सर। इतना यकीन? तुम किसी एमएलए के बेटे हो या किसी एमपी के भाई हो या फिर किसी मीडिया से ताल्लुक रखते हो या फिर किसी माफिया से हो? सर आपके लिए वो लोग खास हैं तो अपने लिए मैं खास हूँ। पहली मर्तबा पुलिस स्टेशन देख रहा हूँ, मजा नहीं आया, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। तुझे देखा हूँ बाद में। छोड़। मैं काउंटिंग शुरू कर दूं क्या सर? मैं यहाँ नया आया हूँ और अभी अभी नौकरी पे चढ़ा हूँ। चलो गिनती शुरू करो। साहब इसे छोड़ा तो पुलिस स्टेशन को रेलवे स्टेशन बना देगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5। एक मिनट, जमानत के कागज हैं सर, 10 बस है ना, एक बार देख तो लीजिए, पूरे 10 हैं। जवान खून है सर, आप तो समझदार हैं, छोड़ दीजिए ना। क्या बात कर रहे हो, अरे आदमी कौन है? ये मेरे अब्बू हैं सर। क्या मतलब? मेरा बेटा है। मैं और दे दूंगा सर, चाहिए तो इसके अलग से ले लेना। हाँ। डबल। ठीक है ना जनाब? अगर दोबारा ऐसी गलती की ना, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो दोबारा जमानत के कागज लेकर आ जाऊंगा। ये कहाँ का इंसाफ है? अब्बा अब सच में मेरी ढाल है। अरे मेरे होते हुए तुझ पर आज भी नहीं आ सकते। चल। चल मार मुझे, मार मुझे, मैं कह रहा हूं ना, मार, मारती क्यों नहीं, मार। क्या हुआ नंदिनी, फिर से वही ख्वाब देखा क्या? घबराओ मत नंदिनी। मैं उनकी बेटी हूँ सर। सर नंदिनी यहां आई है। ओके सर। मुकेश का फोन आया था, वो कह रहा था कि यह मामला उनके पास था। मौत का खौफ नहीं होना चाहिए,
उसका मुकाबला करके उसे दफना देना चाहिए। ऐसा मेरा बाप कहा करता था। ए, तू मुझे क्यों घसीट रहा है? गुरूर है भाई, बेवजह का गुरूर। भाई को चौकी पहुंचा दिया, सीधी तरह से माफी मांगने के लिए कहो, वरना तुम्हारी शमत आ जाएगी। जाकर कह दो उनसे। उसे बोल माफी मांगे, बोल उसको। माफी मांगू? दिमाग तो खराब नहीं है उसका? माफी मांग लीजिए ना, नहीं तो मेरी शमत आ जाएगी। मुझे क्या? ए, जाओ यहाँ से, जाओ। मैडम जी, जल्दी से माफी मांग लीजिए ना। ये क्या बदतमीजी है गर्ल्स हॉस्टल के सामने? वैसे आपका नाम क्या है मैडम? चलो चले। बॉबी, सर से पैर तक इन कपड़ों में पूरी तरह से कार्टून लग रही हो तुम। मुद्दे की बात पता है क्या है? कि बेहतर ये होगा कि तुम बीच में मत बोलो, समझे? चुप, आप माफी मांगिए ना। अजीब जबरदस्ती है। ठीक है, मेरा गुरूर मेरे पास, तुम्हारा गुरूर तुम्हारे पास। इसे एक तरफ रख दीजिए, साड़ी सही करते हुए या बाल संवारते हुए मुझसे सॉरी कह दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जल्दी बोलो। इसे तो चप्पल से मारने का दिल करता है। मेरा सॉरी सुनने का दिल चाह रहा है, बोलिए ना। चप्पल से पिटोगे? चप्पल को क्यों तकलीफ दे रही हो तुम? माफी मांगो ना। बार बार ये डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? एक काम कीजिए, जल्दी से सॉरी बोलिए। क्या हुआ भाई? चुप करो, आप सॉरी बोलिए ना। हेलो, आप तो कहना ही पड़ेगा। क्या हुआ? अभी आती हूँ, सॉरी। ऑटो? बोल दिया, देखा? बोल दिया उसने। अब जाकर मुझे सुकून मिला है। ये बार बार कौन तंग कर रहा है? हेलो, क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल में? तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा बेटा। शॉक ट्रीटमेंट देना मुश्किल है, तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन डॉक्टर साहब को पहुंचने में तो वक्त है, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, इंजेक्शन तैयार करो। मैडम, क्या हुआ? जरा पीछे हटो। घबराइए मत, वो अब खतरे से बाहर है। आप बहुत खुश नसीब हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? अगर पेशेंट को कुछ हो जाता तो? इन्हें स्ट्रोक आ गया था, अगर हम कुछ नहीं करते तो इनकी जान जा सकती थी। चुप करो, तुम अपनी मनमानी करोगी। इन्हें कुछ हो जाता तो हॉस्पिटल बदनाम हो जाता। फिलहाल तुम हाउस सर्जन हो, अपनी हद में रहो। मुझे अपनी हद पता है, इनकी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। सीनियर डॉक्टर्स भी नहीं थे यहाँ। इनकी हालत को देखकर फॉर्मेलिटी सीनियोरिटी हमें एक तरफ रखनी पड़ेगी। तुम अपने इस रवैये की वजह से कभी कामयाब नहीं होगी। कामयाबी से बढ़कर जिंदगी होती है सर। डॉक्टर का फर्ज अपनी कामयाबी से ज्यादा एक मरीज की जान बचाना होता है, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। सबके सामने बहस करना बेकार है सर, बाद में देखते हैं। ये क्या किया तुमने? एक्चुअली ये मेरा केस नहीं था, इमरजेंसी थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। कोई सवाल करे तो कहना कि नंदिनी का केस है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, दो दिन में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं। शुक्रिया मैडम। इट्स ओके। चल मार मुझे।
मार मुझे, मैं कह रहा हूं ना मार, मारती क्यों नहीं, मार मुझे। वो वाकई टॉर्चर है आनंद, वो जानबूझकर हमें परेशान करता रहता है। सुना तुम लोगों ने, मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो ऐसा कहके इसे परेशान करता है। तुम अब तक चुप क्यों थी, बताया क्यों नहीं मुझे? लेकिन कहाँ मिलेगा वो? हमारे कॉलेज के दोस्त को जो छेड़ेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे सबक सिखाया जाएगा। उसकी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। फिलहाल तुम यहीं रुको। क्या बात है दोस्तों, फाइटिंग करने के लिए हीरो की तरह एंट्री मारी है आप लोगों ने? हम सभी डॉक्टर्स हैं, हमारा काम जान बचाना है, लेकिन अगर हमसे कोई उलझ गया ना तो हम जान लेना भी जानते हैं। क्या बात है सर, एकदम धमाकेदार डायलॉग। इतने अच्छे डायलॉग बोलते हो तो फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो? अगर आप फिल्म लाइन में चले गए तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। कौन है तू? इतनी बकवास क्यों कर रहा है? अरे क्या बॉबी, तुम्हारा मटकना कम नहीं हुआ और फिर भी तुम लड़ने के लिए आ गई हो, मारने का दिल कर रहा है? खैर छोड़ो, ये बताओ मेरी नंदिनी कैसी है यार? क्यों भाई, नंदिनी को परेशान कर रहे हो? वैसे बॉबी ये बताओ, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन्हें किसने दी? हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके नाम पे उसका पीछा करोगे तुम? पीछा नहीं करूंगा तो बात कैसे बनेगी? हाँ अच्छा होगा उसके बारे में भूल जाओ वरना... आप लोग मुझे मारोगे? मारो, अगर मैंने आप लोगों पर हाथ उठाया तो मेरी नंदिनी मुझे गुंडा समझेगी, और अगर आप लोगों ने मुझे मारा तो उसके दिल को तकलीफ होगी, और फिर वही तकलीफ मोहब्बत में बदल जाएगी, और फाइनली वो मुझसे प्यार करने लगेगी, और ये प्यार शादी में बदल जाएगा, और फिर मुझे भी खुशियां नसीब होंगी। मारो। डॉक्टर्स, इसका पोस्टमार्टम आप करेंगे या फिर मैं करूं? ए, ये सारे डॉक्टर्स हैं, इनकी अपनी जिंदगी है, मकसद है। ये सब तेरी समझ से बाहर है। तुझा भाई, पिछली बार तुम जीत गए थे और मैं हार गया था। डॉक्टर्स, 2020 हो जाए क्या? ये हारा हुआ खिलाड़ी है इसलिए फड़फड़ा रहा है। आप लोग इसकी बातों में मत आना। अरे यार आज मंगलवार है, पता है मुझे, आज के दिन तू हाथ नहीं उठाता है। मंगलवार को मार नहीं खाता, लेकिन मार तो सकता हूं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनिए। अरे मारे बिना जा रहे हैं, कम से कम मारिए तो सही। लगता है हमेशा गुंडे मिलते रहेंगे, अच्छा मौका था वो भी निकल गया। अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई, चोर रास्ता बनाने में एक साल लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक साल लग जाएगा। एक से कहो, दो से कहो, सब से कहो, चोर रास्ता बनना ही चाहिए, जल्द से जल्द बनना चाहिए, भले कोई मरता है तो मरे लेकिन काम होना ही चाहिए। आज वो ना आए तो ही बेहतर होगा। अरे किसी ने नहीं देखा यार, जाओ यहाँ से। क्या करी? पुरानी दुश्मनी दरकिनार करके एक बार हाँ कह दो, मैं खुशी से चला जाऊंगा। बरसात में हमसे मिले तुमसे मिले हम, सुहाना हो गया है मौसम। ये कोई शायरी नहीं है, बाइक चलाते हुए मुझे ख्याल आया था। ये नामुमकिन है, जाकर अपना काम करो। तुम्हारे पीछे आने के सिवा कोई काम ही नहीं है। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? मैं शर्माने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ। बुजुर्गों ने कहा है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। पता नहीं किस बुजुर्ग ने ऐसा कहा तुमसे, बेशरम कहेंगे। अरे 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 सुनो तो, अरे अरे बॉबी, अरे सुनो तो सही एक बार। नौकरी करने वाली लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए, दूसरी कोई देखते हैं। ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या, बाद में फरमाइशें करेंगी, साथ में नहीं रहना है, अलग चले जाना है, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अरे कमसी ने नादारी में कुछ भी मुँह से निकल गया होगा, तुम समझाओगी तो समझ जाएगी। ए, तुम वहाँ बैठ कर क्यों खा रहे हो, साथ में आ जाओ ना भाई। अरे उसकी ज्यादा फिक्र मत करो, तुम अपना खाना खाओ ना, वो लैला के पीछे भागते भागते थक गया है बेचारा। काम 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 काम, क्या काम करूँ मेरी खुद समझ में नहीं आता। तो एक काम करना, फिल्म हीरो की तरह तू भी पुलिस वाला बन जा। तू खाना खाएगा या चाटा, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे तो तू असली पुलिस वाला बन जा ना। देखो आइंदा मुझे काम के लिए टोकना मत। तो आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, कोई काम क्यों नहीं करते जाकर? क्योंकि मैंने कभी काम किया ही नहीं। एक काम करेंगे, तुम हॉस्पिटल देख लेना और मैं घर देख लूंगा। ये क्या बकवास है, शादी करना आसान है लेकिन बीवी की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता है। इतना तो मुझे भी पता है कि बीवी की जरूरतें क्या होती हैं। वो सारी चीजें मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कार और एसी चाहिए, ये सारी चीजें मेरे पास हैं। अब रही बात घूमने की, तो पार्टी में बनारसी साड़ी चाहिए, वो पहनाकर मैं तुम्हें पार्टी में ले चलूंगा। और अगर कहीं नहीं जाना हुआ तो घर में आराम से बैठकर सास बहू का सीरियल देखना। फॉरेन जाना हो तो मैं वहाँ भी ले चलूंगा, जब तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करने को तैयार हूँ। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी जिद छोड़ दो। आप सभी डॉक्टर्स ने देखा ना,
मैंने इनके पीछे चार धाम से ज्यादा चक्कर लगाए हैं, इसलिए बेहतर है कोई बीच में ना कूदे। अपनी बकवास बंद करो, बहुत हुआ। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। शंकर जी का मकान यही है ना? क्यों बे, सवारी पर बैठने के बाद पूछ रहा है सवारी कहाँ की है? बैठने से पहले नहीं पूछ सकता था? क्यों भिड़ू, सही कहा ना? बोला भाई, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता हूँ मैं। जरूर शंकर जी का यही मकान है। चलो आओ मेरे पीछे। कहाँ जा रहे? अरे सुन तो, इनकी शक्ल से पता चल रहा है कि शंकर जी का मकान यही है। मेरे पीछे क्यों आ रहे भाई? अरे रुको रुको, अरे रुक ना। अरे कैसे हो भाई? आता हूँ ना। कौन है ये? हमारा मामला पेचीदा है, तुम बीच में मत बोलो। बात क्या है? मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। भाई की बहन से प्यार? खामोश रहे पीछे। भाई साहब, मेरा नाम है राजा बाबू, मैं खानदानी और इज्जतदार घराने से हूँ, और आपको पता है गांव में हमारी थोड़ी बहुत जमीन और जायदाद भी है। अच्छा, इसलिए मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो आपकी बहन नहीं है, मुझे जिससे प्यार है वो आपकी बहन है। बात तो एक ही है ना भाई। आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। फोन लगा उसे। क्यों, नंबर नहीं है? सुना नहीं भाई ने क्या कहा? हाँ ठीक है, सुन लिया, अभी करता हूँ। करना, जल्दी कर। हेलो नंदिनी, एक बार जरा अपने भाई से बात कर लो, एक मिनट लीजिए। हेलो, तुम किसी राजा नाम के बंदे को जानती हो? दिलेर है, अच्छा भी है। ऐसे जिगर वाले लड़के से प्यार करती हो तुम? इससे शादी करोगी तो जिंदगी संवर जाएगी। मुझे पसंद है, ठीक है, समझ गए ना? शुक्रिया भाई, अब मैं चलता हूँ, अपने अम्मी अब्बा को साथ ले आऊंगा, ठीक है भाई, फिर मिलता हूँ। अरे सुनो, मेरी कोई बहन नहीं है। अरे नहीं, तेरा पागलपन देखकर मैंने मजाक किया था। माफ करना, चलता हूँ। हवा निकल गई। हाँ धड़ा, इरादा बदल गया मेरा। एक बात बता, हाँ? ये टकला करता क्या है? बैठे बैठे हराम की खाता है। ये बात उसे बताओ। नंदिनी, तुम्हारे भाई राजी हो गए, बस तुम राजी हो जाओ तो हम शादी कर लेते हैं। नंदिनी मेरी बात तो सुनो। बात बना दे, मेरी भगवान बात बना दे। पंडित जी भी सामने हैं, डेट फिक्स करते हैं ना, शादी कर लेते हैं। उसके बाद? उसके बाद तुम मेरे बच्चों की माँ बन जाओगी, बस तुम हाँ कह दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अरे एक बार हाँ तो बोल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। शक्ल भी मत दिखाना मुझे। नंदू 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 सुनो तो सही, माफ करना। एक मिनट रुको, तुम बस हाँ बोल दो, मैं यहाँ से फौरन चला जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। तुम्हें राजी करने के लिए तो तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, बस एक बार हाँ बोल दो, मैं चला जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। Oh, yes. अभी अभी तो मुझे टॉर्चर कर रहा था, इससे अचानक कहाँ चला गया? कहो बेटी, कब की तारीख रखें? बेटा उसी ने बताया कि तुम राजी हो। आप लोगों को पता भी है, मुझसे जबरदस्ती हाँ बुलवाने के लिए मेरा जीना हराम कर रखा था उसने। सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उससे हाँ कह दिया। आपने यकीन कैसे कर लिया? नंदिनी नंदिनी एक मिनट। बेटे, बेटी बात तो सुनो, आज तक हमारे बेटे ने हमसे कोई फरमाइश नहीं की। बेटा हम मानते हैं तुमने मजबूरी में हाँ कहा, लेकिन उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटा क्या कह रहे हैं, मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ ना, जो उसने पसंद किया और आप लोगों ने उसके लिए खरीद भी लिया। अरे वो हीरा है बेटी, हम उस पर अपनी जान छिड़कते हैं, वो हमारा इकलौता सहारा है बेटी, तुम हमारे कहने पर हाँ कह दो। आप खामोश रहिए। बेटा एक अच्छी खबर सुनाती हूँ तुम्हें, अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी बेटा, और मेरा बेटा तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगा। बिल्कुल सही कहा। बेटे जैसा बनाना चाहती हैं आप? आपका बेटा ना बेवकूफ है, अकल नहीं है उसमें। आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं और उस आवारा के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं मैं? अगर आप लोग अपनी हद में रहेंगे तो ही बेहतर होगा, माफ कीजिए। यार तुझ में आखिर कमी क्या है, तुझ पे तो लड़कियां मरती हैं। यार मुझे नंदिनी के सिवा कोई लड़की नहीं चाहिए। सुन, उसने चाचा चाची की इज्जत उतारी है। देखो मुझे सब कुछ पता है कि उसने क्या क्या बोला है उन्हें। बचपन से लेकर अब तक अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो वो मुझे कभी तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए मुझे बताए बिना ही नंदिनी से बात करने चले गए। उन्होंने सोचा था कि मुझे सरप्राइज देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नंदिनी जरा भी लिहाज नहीं करेगी। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है, और वो लड़की मेरे अम्मी अब्बू को भी बहुत पसंद है। शादी तो मैं उसी से करूंगा। भाई
मुझे माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं आपके हद में कभी कदम नहीं रखूंगा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो भाई, hey, मुझे माफ कर दो। अगर आज तुझे छोड़ दिया तो कल दूसरे सर उठाएंगे। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। hey, तू जैसे धोखेबाज को छोड़ दूंगा तो मेरे आदमियों के दिलों से मेरा खौफ खत्म हो जाएगा। इस मौत के लिए तू खुद जिम्मेदार है, इसीलिए इसे खुशी खुशी कबूल कर। तुझे छोड़ना मेरी बेवकूफी होगी, तेरी मौत से ही शहर में मेरी दहशत पैदा होगी। छोटे, बद्रीनाथ खूंखार है, ये बात इसके जिस्म पर लिखकर सड़क पर फेंक दे। जो हुकुम भाई। अपना चेहरा दिखा, देख मेरी तरफ, देख। मानेगी नहीं क्या? इधर देख, देख, बोला ना मेरी तरफ, चेहरा दिखा अपना। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे सिटी मॉल सर्कल पे पूछ लेना कि राजा का राज दरबार कहाँ लगता है, लोग इज्जत से मुझ तक पहुँचा देंगे। और एक बात, आइंदा कभी नंदिनी की तरफ नजर उठाई ना तो आंख नोच लूंगा, उससे पहले मैं तुझे गाड़ दूंगा। दिल करता जान से मार दो। उस रात भी मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था ना कि रात में निकला मत करो, हा? फिर भी क्यों निकले तुम? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं, लव गार्ड हूँ। पता नहीं क्यों सब तुम्हारे ही पीछे पड़े हैं, किसी को और कोई दिखती ही नहीं है। किसी दिन मेरे हाथों खून हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, अपनी प्रॉब्लम अपने पास ही रखो, हा? मेरे माँ बाप को सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, क्या मिला उनकी बेइज्जती करके? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हा? पता नहीं क्या समझती हो तुम खुद को, दू क्या अभी एक? अरे आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या चाहती हो तुम? जब तक कुछ बोलोगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? उस टकले गुंडे को अपना भाई बताकर मुझे उसके पास भेज दिया, पता नहीं कैसे जानती हो उसको, क्यों इस तरह से खेल खेल रही हो मेरे साथ? हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या, जो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। अब भी चुपचाप रहोगी या फिर कुछ बोलोगी भी? तुम्हें किसी करोड़पति से शादी करनी है क्या? हाँ,
मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, दिल का बहुत बड़ा धनी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। बात समझ में आई तुम्हें? आखिर तुम क्या चाहती हो, बोलो ना, बताओ मुझे आखिर क्या चाहती हो। जान से मार दो उसे। ये लो, मारो उसे। क्या हुआ था इसे? हाँ, किसने मेरे भाई की यह हालत की है? कोई कुछ कहता क्यों नहीं? ए डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सर पर गहरी चोट लगी है इसके, ये कोमा में चला गया है। इसे होश कब तक आएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। इसके सीने से गोली पार होने में सिर्फ एक पल लगेगा और तुम लोगों को मुझ तक पहुंचने में एक मिनट लगेगा। अगर तुम में से किसी ने होशियारी की तो ये सीधा कफन में जाएगा। तेरा नाम ही बद्रीनाथ है ना? ए, पीछे हटो, पीछे हटो। मैं नहीं जानता तू अच्छा आदमी है या बुरा आदमी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं तुझे खत्म कर दूं जिससे मैं प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, सिर्फ समझाने आया हूं कि अब उस लड़की से दूर रहना। उसने मुझे बताया कि तेरा एक भाई है, एक साला है और एक भांजा है। तीनों को भी अगर मैंने एक एक करके मार दिया ना तो तू खुद ब खुद ही मर जाएगा, समझाना? मैं एक खानदानी लड़का हूं, इसलिए समझाने आया हूं। उस लड़की से दूर रहना। तेरा नाम ही बद्रीनाथ है ना? देख क्या रहे हो, मार डालो उसे।
हेलो, बद्रीनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए। मार डालूंगा तुझे। उस लड़की से दूर रहना। उस लड़की से दूर रहना। उस लड़की से दूर रहना। सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है, उसका बचना नामुमकिन है। उस लड़की से दूर रहना। जनाब आदाब। सलाम साहब। क्या हुआ बद्रीनाथ, इस तरह से एकदम से बुला लिया? इतने लोगों के बावजूद वो अंदर कैसे आया? ये लोग क्या कर रहे थे? इनके होते हुए उसने तुम पर बंदूक तान दी, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अब सिर्फ ये बताइए वो दिखता कैसा है? एक पल के लिए सांस रुक जाए तो दम घुटता है ना। जब उसने मेरे सीने पर बंदूक रखी थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। उसे मेरा खौफ होना चाहिए। बद्रीनाथ के इस इलाके में हर छोटे से लेकर बड़ी शख्सियत मुझसे खौफ खाती है, लेकिन वो बद्रीनाथ की इज्जत उसी के मकान में छलनी करके चला गया और हम बेबस रह गए। गौर से सुनो, वो हर हाल में अभी के अभी जिंदा या मुर्दा यहां मेरे सामने चाहिए, और ये बात इस कमरे से बाहर ना जाने पाए। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकले यहां से, कहा ना जाओ। सुन। हाँ भाई। गणेश को घर से निकलने मत देना, उसका ध्यान रखना। ठीक है भाई। घबराना मत। हाँ। सब ठीक हो जाएगा, जाओ। वो किसी भी हाल में नहीं बचेगा। मुज़दिल, कहाँ है? मुझे क्यों बोल रही हो? तुम्हें नहीं बेटा, उन कमीनों को बोल रही हूँ जिन्होंने तुम्हें पीटा है। सड़ सड़ के मरेंगे वो सब। तुम लेटे रहो, सुनिए तो। हा? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप जाकर अपना काम करिए। कंप्लेंट करता हूँ मैं। चुप रहो ना। ये है क्या? तो फिर ये इनमें से कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब, कोई और ही है वो। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं राम बाबू बोल रहा हूँ। मेरे बेटे को गुंडों ने मारा है, मैं कुछ नहीं जानता, आप उन्हें सजा दें। आपकी जो भी बोली होगी मतलब? आप बोलिए 60,000-70,000 क्या लेंगे? अरे आप सिर्फ दाम बोलिए। रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। आइंदा रिश्वत की बात की तो आपका बेटा सलाखों के पीछे होगा, फोन रखिए। कौन था? किसी ने उनके बेटे को तोड़ दिया है सर। हम बद्रीनाथ को पीटने वाले को नहीं पकड़ पाए तो इन्हें कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ ना। एक आदमी को नहीं तलाश कर पाए तुम लोग? मेरी बात ध्यान से सुनो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। ए, तुम लोग पुराने शहर में जाओ और तुम लोग नए इलाके में शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। कोई भी गली छूटनी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। दफा हो जाओ, जाओ ढूंढो उसे। क्या हो गया? अरे कुछ बोलेंगे भी कि क्या हुआ? चलना है? इधर। अरे क्या बात है, बताओ तो कहाँ ले जा रहा है ये? क्या हुआ, कहाँ ले जा रहा है? अरे अंदर तो चल, सब बताऊंगा तुझे। अबे कुछ बोलेगा, हुआ क्या? तुझे मालूम है तुमने किससे दुश्मनी ले ली है? हाँ तो जब तू बताएगा तब पता चलेगा ना। बद्रीनाथ के गुंडे तुझे ढूंढ रहे हैं, पूरे शहर को अपने इशारे पे चलाता है वो। तलाश करने की क्या जरूरत है, सीधे यहाँ पर आ जाता ना। अरे तू मेरी बात समझता क्यों नहीं है यार? उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दे, तेरी जान को खतरा है भाई। ए, तुझे पता है ना मैं उसे बेइंतिया प्यार करता हूँ। अरे तो कहना क्या चाहता यार तू? मुझे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना है। इसे बद्रीनाथ के गुंडों ने मारा था क्या? ये मार खाकर नहीं, मार कर आए हैं जनाब। वो ढूंढ रहे हैं इसको। तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं फिक्र क्यों करूंगा, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। अगर तू इतना परेशान हो रहा है तो वो कितनी हो रही होगी। मैं अभी उसे मिलकर आया। अरे अरे सुन, क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे कुछ बोलोगे, हुआ क्या? भाई उसकी तलाश जोरों पर है, जल्दी वो हमारे हाथ लग जाएगा भाई, आप घबराइए।
ये मनहूस खबर सुनाने आए थे मुझे? सब हरामखोर हो गए, जी करता है खत्म कर दूं सबको। मेरे सीने पर तमंचा रखा था उसने, उसकी जान निकालने के लिए तड़प रहा हूं मैं, अपने हाथों से मारूंगा उसे। नंदू, ए, कॉलेज के लिए कब निकलोगी? क्यों, क्या हो गया? चुपचाप गाड़ी पर बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर चलना है, यहाँ ठहरना मतलब जान को खतरा है। किसकी जान? तुम्हारी। और वो क्यों? मैंने उन सबकी पिटाई कर दी। पीटने के लिए किसने कहा था? तुमने ये तो कहा था ना। और क्या इस बात का कोई सबूत है? तुम आखिर चाहती पता चल गया ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही है। अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरी शर्तों पर खरा उतरना होगा। अगर शर्त पूरी नहीं होगी तो भूल जाओ कि शादी होगी। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, बाद में मिलूंगी। हॉस्पिटल बाद में जाना, पहले घर चलो मेरे साथ आओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करनी है। पोस्टमार्टम हो चुका है, अब तुम चुपचाप गाड़ी पे बैठ जाओ। 1 2 3 राजा राजा उधर देख, नंदिनी को उठाकर ले जा रहे हैं। मैं तुझे समझा रहा था ना कि बद्रीनाथ के लोग छोड़ेंगे नहीं यार, अरे अब सोच क्या रहा है। चल जल्दी चल यहां से, चल गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। तुमने हमें पहचाना बेटी? देखो बेटी, हमने अपने बेटे को कभी मांगने का मौका नहीं दिया, उसकी जुबान खुलने से पहले ही उसके सब कुछ हाजिर कर देते थे। अब अगर उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर पाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखेंगे? देखो बेटी, अगर तुम किसी डॉक्टर से ही शादी करना चाहती हो तो हमारा बेटा भी तो एक डॉक्टर है। क्या कहा? हमारा बेटा? हाँ, वो डॉक्टर कब बन गया? अरे बचपन से ही उसे दवाइयाँ बड़ी पसंद है ना। हाँ हाँ, अच्छा तुम कहो तो हम सर्टिफिकेट भी खरीद लें। खरीदना ही है तो कोई बड़ा हॉस्पिटल खरीद लीजिए ना। हाँ ये बात भी सही है। देखो बेटी, अगला महीना बहुत अच्छा है, किसी बात की कमी नहीं है, तुम राजी होकर इस घर की बहू बन जाओ। आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। बेटी अगर तुम शादी कर लोगी तो हम सोच समझ कर बोलेंगे। माँ माँ, अरे बेटा बैठो बैठो, ये सब आप लोगों ने किया है। अरे तुम गिनती कर रहे थे तभी हम समझ गए थे तुम क्या चाहते हो। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, आप पहले जाइए यहाँ से। मुझे माँ इन्हें लेके जाइए यहाँ से, समझा रहे हो? चलिए तो सही, वो आपस में निपट लेंगे। चलिए मेरी बात सुन ले भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, इस लड़की को भूल जा। तू कमीने अपना मुंह बंद रख और जा यहाँ से। ये क्या तमाशा है? माफ कर दो, मेरे माँ बाप ने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। तो एक मिनट, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम बैठो तो सही, यहाँ कभी तो कहना मानो ना मेरा, तुम बैठोगी तभी तो समझा पाऊंगा ना। देखो तुम यकीन करो या ना करो, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आज पहली बार तुम मेरे घर पर आई हो, हाँ मानता हूँ तुम्हें जबरदस्ती लाया गया है। देखो मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ, मेरा यकीन करो, तुम्हारे यहाँ आने से मेरे माँ बाप बहुत ही खुश हैं। इतना खुश मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उनकी खुशियां मत छीनो प्लीज, यहां तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तुम यहां पर सिर्फ 2 दिन के लिए रुक जाओ प्लीज, इस बात के लिए इनकार मत करो प्लीज नंदिनी। और कितना वक्त लगेगा? अरे शर्म आती है तुझ जैसे ऑफिसर पर मुझे। एक मामूली लड़की और उसके आशिक को तलाश नहीं कर पाए, इतने वक्त में तो आतंकवादी भी पकड़ लिए जाते हैं, लानत है तुझ पर। अब क्या बात है? आतंकवादियों की तो गिनती होती है भाई। हाँ। पर ये मोहब्बत वाले हर जगह होते हैं, इन्हें तलाश करना इतना आसान नहीं है। भाई दफा हो जा बेवकूफ कहीं का। बहन जी, आज आपको जो कहना है कह लीजिए, एक कप कॉफी पीकर ही जाऊंगा, आपके हाथ की कॉफी की बात ही अलग है। जब तक कॉफी तैयार होती है तब तक अखबार देख लूं। शुक्रिया। एक बात बताऊं आपको, आपकी कॉफी की तो बात ही कुछ और है। क्या हुआ, कॉफी हजम नहीं हुई? कॉफी तो हजम हो गई लेकिन तुम्हारी बात। मेरा बेटा कॉफी बनाना भी जानता है और पिलाना भी जानता है, इसे तहजीब कहते हैं। कितना समझदार हो गया है, अब समझ में आया? क्या कहा समझदार, और नहीं तो क्या। अब्बू रुकिए, चाचा जी नाश्ते में क्या लेंगे बताइए ना। नाश्ता? हाँ। वो भी बनाता है? सिर्फ नाश्ता ही नहीं, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। नाश्ता हुआ नहीं कि लंच की तैयारी चलती है, और लंच हुआ नहीं कि डिनर की तैयारी शुरू। आप बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? उपमा चलेगा। उपमा? सिर्फ उपमा कैसा लगेगा? उपमा के साथ साथ मैं काम करता हूँ, पराठा सब्जी भी तैयार कर देता हूँ। ऐसा नाश्ता आपने जिंदगी में नहीं किया होगा। क्यों, झटका लगा? अरे भूकंप के झटके मुझे अभी से लग रहा है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए। अरे अरे वाह, इस घर में ये लड़की कहाँ से आ गई? अरे रे 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 रे। ओ हो, नमस्ते बेटी।
इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या जो इस कंजड़ खानदान में आकर इस लोफर से शादी करने के लिए राजी हो गई? अच्छा, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन उसे नहीं। हजार बार बोलूंगा, क्या करेगा? किस किस के मुंह पर ताला लगाओगे तुम बोलो? मैं भी आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। रिश्वत लेते हैं आप, झूठ बोल के काम करवाते हैं। बहन जी देख रही, इसे लड़की को सच बता दिया तो मेरे पीछे ही पड़ गया। चाचा किस किस के मुंह पर ताला लगाओगे? हमने अपनी पसंद से शादी की थी। हमारे घर वालों को हमारे रिश्ते से एतराज था। हमने उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला लिया था। राजा की पैदाइश पर कोई उसे देखने तक नहीं आया। तब से हमने हमेशा के लिए उन सब से ताल्लुक तोड़ दिया। हमारे बड़ों से हमें जो खुशी नहीं मिली, वो सारी खुशियां हमने अपने बेटे को दे दी। लो बेटी, हॉस्टल में रहती हो ना, घर का खाना तो नहीं मिलता होगा, इसीलिए अपने हाथों से खिला रही हूँ तुम्हें। ये लो, तीखा हो गया क्या? बहुत खूब, हिंदुस्तान की बेहतरीन निशानेबाज। शुक्रिया नंदिनी, नारायण की बेटी नंदिनी। नंदिनी, अरे अब अपने डैडी की जान लेगी क्या? आपको जिसकी तलाश है वो काली पहाड़ी पर मिलेगा। कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आया है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। तुम जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। मैं रिक्शा से आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है। ऑटो, ऑटो। इसका नाम है कालिया, 36 खून कर चुका है। इस पर इतने मामले दर्ज हैं जिनकी गिनती मुश्किल है। कौन है ये लड़की? याद आ गया मुझे। ए, ये तो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ कि राघव भाई पे जो हमला हुआ था उसके पीछे इसका ही हाथ है। ए, भाई का फोन लगाओ। भाई, दुर्गा भाई का फोन है। हाँ बोलो। भाई, आपके लिए खुशखबरी है भाई, जल्दी से यहाँ तशरीफ ले आइए। जल्दी गाड़ी निकाल, कालिया के यहाँ जाना है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ लड़के। ए, पकड़ लो इसे। फुट ऊंचे और 3 फुट चौड़े आदमी को मारने के लिए तू इस 2 फुटिया को लेकर आई है? तूने हम लोगों को ठीक से पहचाना नहीं है। इस चिलगोजे को मारने के लिए तो मेरे लौंडे ही काफी हैं। ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से। ए! दुर्गा के पास सिर्फ आने का रास्ता होता है,
लेकिन जाने के लिए दुर्गा से इजाजत लेनी होती है। यहाँ से जाने का सोचना भी मत। पिस्तौल फेंक दे वरना ये जान से जाएगी। कितनी 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 बार समझाया है लेकिन तुम हो कि बाजी नहीं आती। घर में हमारे लिए माँ पुलाव बना रही है, बिरयानी बना रही है, कबाब बना रही है, लेकिन ये सब तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है। तुम यहाँ चली आई, यहाँ तुम भी मरोगी और साथ में मैं भी मरूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये कालिया बहुत ही खतरनाक है। ये गांजा पीता है, गांजा खाता है, गांजे पे सोता है और उसके पीछा करो उनका। सर ये बेकसूर है।
मैंने इसे सिर्फ लिफ्ट दी है, इसने कुछ नहीं किया है सर। चाचा जी, इन्होंने काली अन्ना को खत्म कर दिया। चाचा जी, आप कौन? तुम कौन हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हो कौन तुम? ये सब क्या है सर? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसको जान से मार दिया। शुक्रिया राजा बेटा, इतने वक्त से जो काम हम नहीं कर पाए थे वो तुमने एक झटके में ही करना। आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरी को समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना बताएं कि मुझे मोहरा क्यों बनाया गया? दोस्त की जान बचाने के लिए तुम स्टेशन तक पहुंच गए थे और उसकी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। पहली बार मैंने तुम्हारे जैसा जांबाज देखा, उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि तुम ही मेरे काम आ सकते हो। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत खूब, हिंदुस्तान की बेहतरीन निशानेबाज नंदिनी, नारायण की बेटी। मजा आ गया। नंदिनी, अरे अपने डैडी की जान लेगी क्या? मेरे डैडी है, मैं कुछ भी करूं। हाँ, ये भी सही है। अरे क्या बेकार के खेल खेल रहे हो, वो तो बच्ची है, तुम्हें अकल नहीं है क्या? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसके लिए जान भी हाजिर। सुन लिया? और तीर कहीं आँख में लग जाता तो क्या? अगर लग भी जाता तो अपनी लाडली के हाथों ही लगता ना। सॉरी डैडी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मेरा बच्चा, कोई नहीं। ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। हे, देख रहे ना आप लोग, किसी ने कुछ कह दिया तो चेहरा उतर जाता है इसका। हाँ। भैया जरा मैं भी तो देखूं कि हमारी लाडली शर्माते हुए कैसी लगती है। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? आजा बैठ के चलो। हेलो। हाँ ठीक है। कहीं जा रहे हैं ना? मैं संडे तक लौट आऊंगा बेटी। वैसे भी तुम कॉलेज चली जाओगी तो मैं घर पर बोर हो जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कौन सा काम है जो कॉल आते ही फौरन निकल जाते हैं आप? बेटा कई काम ऐसे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, बताए नहीं जा सकते। अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। डैडी। हाँ। अब पूरा इलाका आपकी मुट्ठी में कर दिया है डैडी, अब सिर्फ आपका ही नाम हर जगह गूंजेगा। तुम तो भाई से भी चार कदम आगे निकल गए। गुजरात से लोटिया पठान, कोलावा से दारूवाला हमसे मिलने यहीं आ रहे हैं। मीटिंग फिक्स कर दी है, कल रात को वो लोग महफिल जमाएंगे और हमारा वहाँ होना जरूरी है। डैड नहीं, मैं जाऊंगा उनसे मिलने। मामला संगीन है और फिलहाल तुम इस काबिल नहीं हो जो इस मामले को समझ सके। 28 साल का हूँ मैं और 28 सालों में 28 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ, इतनी काबिलियत कम है क्या? विक्की, अदब से बात करो, बड़े हैं, बैठ जाओ। कितने बजे पहुंचना है? बद्री जी क्यों नहीं आए? हाँ, डैड नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी क्या? वो आएंगे, जरूर आएंगे। ए विकी, कैसे हो पठान भाई? बचपन में देखा था तुम्हें, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, खैरियत है। और रघु नारायण जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मैं ठीक हूँ। दारू वाला भी पहुंच गया? हाँ हाँ पहुंच गया। How are you partner? दुआ है आपकी। तू रघुरमन का खास आदमी है। ये मेरे डैडी के राइट हैंड है। खास वास नहीं, दुश्मन है। ये डैडी के साथ सालों से काम कर रहे हैं। ये पुलिस में है, मुंबई में काम करता था, हमने कई बार देखा है, मैं जानता हूँ इसको। ए, गन लेके आ, इसे यहीं टपका देते हैं, खत्म कर देते हैं इसको, जाने नहीं देंगे इसको। इसकी तो मैं Oh!
मुझे लगा था तेरा बाप आएगा, बैड लक। कोई बात नहीं, अभी उसकी जिंदगी लिखी है। हेलो, प्लान खराब हो गया है। उम्मीद बद्रीनाथ के आने की थी, लेकिन उसका बेटा आ गया। दारू वाला ने मुझे पहचान लिया, इसलिए मुझे सबको मारना पड़ा। तत्तरीके बद्री, सब आपस में लड़ बैठे। दारू वाला ने विक्की बाबा को मार दिया। मुझे माफ कर देना बद्री जी, विक्की को मैं बचा नहीं सका। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बद्री बाबू, मुझे माफ कर देना। कॉफी पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? कॉफी बस करिए। अरे अरे बच्चों संभल कर, गिर मत जाना खेलते हुए। अरे कावेरी मेरे पास आओ, आओ आंख में चोली खेलते हैं। नंदिनी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। आज मैं उसे बता दूंगा कि आज से मैं हमेशा के लिए उसके साथ ही रहूंगा। जाओ उसे ढूंढो। गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है बेटा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम कुछ नहीं कहती। देखते हैं कब तक तुम नाराज रहोगी। अरे गुड्डी कैसी हो तुम? अरे मेरे बेटे को मत मारो। क्यों मारा मेरे बेटे को? दादी! 1973 में तुमने पुलिस की वर्दी पहनी थी और तुम्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। बद्री की आंखों में धूल झोंकी तुमने। प्लीज जाने को छोड़ दीजिए। मेरी बच्ची छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है मार दो। तूने मेरे बेटे की जान ली है, मैं तेरे खानदान को मिटा दूंगा, वो भी तेरी नजरों के सामने। तभी मेरे बेटे की रूह को सुकून मिलेगा। नहीं नहीं छोड़ दो। शायद तुम इस बात से अनजान थे, मेरे बेटे का दाएं हाथ काम नहीं करता था और तुमने पिस्तौल उसी हाथ में रख दी। अब ये मामला समझ में आ गया ना? इस घर में कोई बुजुर्ग बच्चा जवान जिंदा ना बचने पाए। कहाँ गए लोग? पकड़ो उसे, जाओ जल्दी, जाओ। नहीं नहीं छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। बद्री, बद्री। बद्री रैंक करो। कहाँ चले गए? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नंदिनी भागो यहाँ से, भाग जाओ नंदिनी। मेरी फिक्र मत करो, तुम भागो यहाँ से, जाओ। उस लड़की को भी खत्म कर दो। नहीं नंदिनी भाग, भाग जाओ बेटा।
बहुत बड़ी गलती की है तूने। मेरे बेटे को मार डाला तूने, फिर भी मैंने उसकी मौत पर आंसू नहीं बहाए। अगर मैं तुझे जान से मार दूं, तो तेरी बेटी तेरी मैयत पर आंसू बहाएगी। इसे मार देंगे तो तू खुद मर जाएगा। बद्री, उसे छोड़ दो बद्री। इसे भी खत्म कर दो। चाचा जी, ये मेरी है। उस जल्लाद ने मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं किया। रघु नारायण के खानदान को खत्म करने के बाद ही बद्रीनाथ का कलेजा ठंडा हुआ। अब बद्रीनाथ की दहशत को खत्म करने के बाद ही रघु नारायण की रूह को सुकून मिलेगा। नंदिनी की जब तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, तब उसे तुम्हारे बारे में बता दिया था, और हाँ, मैंने भी उसका साथ दिया था। दुर्गा कालिया को तुम्हारे सिवा कोई नहीं मार सकता था, मुझे इस बात पर यकीन था। बद्रीनाथ के आदमियों को भी तुमने ही मारा था, मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। बेशक मेरी तनख्वाह 50,000 है, लेकिन घर ले जाता हूँ पूरे 1.5 लाख रुपए। 1 लाख बद्रीनाथ से मिलते हैं और वही पैसे मैं नंदिनी पर खर्च करता हूँ। नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी मैं रघु नारायण की मदद नहीं कर पाया। बद्रीनाथ की बादशाहत ही क्या, मैं उसकी सल्तनत ही तबाह बर्बाद कर दूंगा। सुनो नंदिनी, ये मत सोचना कि यह सब मैं तुम्हारे प्यार में कर रहा हूं। आज तक मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए आज मैं ये काम करूंगा। सब कुछ चलाकर राख कर दूंगा। नंदिनी, सबको मारने के बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। आज के बाद तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी मैं नहीं बचेगा, आज ये नहीं बचेगा। खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसे भागे 24 घंटे हो गए, पर वो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा है। लेकिन भाई, किसी भी हाल में वो मुझे चाहिए। उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, बहरा हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? छोड़ूंगा नहीं उसे, मार डालूंगा। एक बार नजरों के सामने आ जाए, कब तक बिल में छुपेगा वो? ये क्या सुन रहे हैं हम? बेटा बात को समझो, खून खराबा करना ये सब हमारा काम नहीं है। खामोश क्यों, जवाब क्यों नहीं देते? आपके सामने कोई अब्बू को मारते हैं तो आप क्या करेंगी माँ? आपकी नजरों के सामने कोई आपके बेटे को मार दे तो आप क्या करेंगी माँ? जान ले लूंगी। उस हैवान ने नंदिनी के पूरे खानदान को खत्म। आपने बचपन में जो मुझे कहानी सुनाई थी वो मुझे याद आ रही है माँ। आपने कहा हमेशा सच का साथ देना,
आपने ये सारी बातें मुझे बचपन में सिखाई थी, सब कुछ मुझे याद है। जितना प्यार मैं आप लोगों से करता हूँ उतना ही प्यार मैं उससे भी करता हूँ। नंदिनी, नंदिनी से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। नंदिनी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ आप भी उसे चाहते हैं। नंदिनी बद्रीनाथ को खत्म करना चाहती है। मैंने उसे वादा किया है कि बद्री को मैं मारूंगा, मैं। और मैंने कसम खाई है। मैंने गलत किया है क्या अब्बू? मैंने गलत किया है क्या माँ? सही गलत का फैसला तुम करो भाई। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? तू अच्छी तरह से जानता है मेरे भाई, खतरनाक लोग हैं वो। उसे भूल जा भाई, वो बद्रीनाथ है। जान से मार दूंगा उसे। भाई साहब, वो होश में आ गया। रघु नारायण की बेटी जिंदा है अभी। क्या कहा? कहां देखा? कहां देखा तुमने उसे? उसके साथ और कौन था? पहले मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी। चेहरे पर निशान था, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। कहां देखा उसे? कहां रहता है वो? याद करके बताओ मुझे। सिटी मॉल सर्कल। निकम्मा बोलोगे तो सभी बता देंगे। यहां पे एक निकम्मा रहता है, उसका मकान कहां है? पता कहाँ है वो? घर में जो भी लोग हैं बाहर निकलो। अरे तुम लोग कौन हो? छोड़ो उसे, बाहर निकलिए। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए आप लोग। ऐसा मत करिए। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो। चल चल, अंदर जा रहे हो? अरे चलो, अरे क्या कर रहे हो? चल। बद्रीनाथ के आदमी चाचा चाची को अगवा करके ले गए हैं। चला बैठ जल्दी। अरे कहां लेकर जा रहे हो? हमें बोलोगे भी? हेलो। बहुत चर्बी चढ़ गई थी ना तुझे? तेरी चर्बी उतारने के लिए हर रोज हर पल मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तेरी मोहब्बत और तेरे माँ बाप मेरे कब्जे में हैं। अगर सभी को जिंदा देखना चाहता है तो सीधे मेरे अड्डे पर आ जा, वरना तीनों की मैयत भी नसीब नहीं होगी। चार्ली, ये किसने किया? चार्ली कहाँ है अम्मी अबू? बोलना चार्ली, बोल चार्ली कहाँ है अम्मी अबू? कहाँ है बेटा? Ah!
बेटा। मेरे अम्मी अब्बू मेरी जान है, तूने मुझे छोड़कर उन पर हाथ उठाकर गलती कर दी, आज तो तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। बता बद्रीनाथ कहाँ है, बता, चाहे तो मेरी जान ले लो, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अबू अबू मुझे मुझे अबू मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, जाकर नंदनी को बचा। बेटा, आज तक हमने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ, हमारी बहू को बचा ले बेटा। लेकिन अम्मी अबू, तुम इनकी फिक्र मत करो, मेरे होते हुए इन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम बस जाओ, जल्दी करो बेटा। तुम्हें मेरी कसम है, नंदिनी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारे घर की इज्जत है, जाओ जल्दी से नंदिनी को बचाओ, जाओ। ए भाई, उसी का फोन था, क्या हुआ भाई? वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है, जिंदा ना बचने पाए वो। मामा, अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। उस लड़की को लेकर आओ, चल चल। रुक जाओ, एक कदम भी बढ़ा तो इसका सर जमीन पर होगा। एक मामूली लड़की के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तूने अच्छा नहीं किया, पुलिस वाले भी मुझसे घबराते हैं और तूने मुझ पर हाथ उठाया। ए, खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो, गाड़ दो इसे जमीन में। लड़की को छुआ तो टुकड़े टुकड़े कर देगा मेरे। ए राघव, छोड़ दे इसे, थोड़ी देर में ये खुद तड़प तड़प के मर जाएगा। ये गलती मत करना, दफन कर दे मुझे, अगर मेरे अंदर का हार्मोन जाग गया ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। मार दे मुझे। राजा, पहली गलती इसके बाप ने मेरे बेटे की जान लेकर की, दूसरी तूने कालिया को मार के की, और सबसे बड़ी गलती कि तू इसे बचाने चला आया, अब यही लड़की तेरी मौत का सबब बनेगी। ए, जल्दी से पिस्तौल लेकर आ। चल चल, मार इसे, मार इसे, मार मार, मैं कहता हूँ मार, चला गोली, मार 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 इसे, मार दे बेटा। ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या तुम? बताया अम्मी अबू ने क्या कहा है मुझसे, तुम्हें हिफाजत से घर ले जाना है, अगर मौत आएगी तो मुझे आएगी, तुम्हें नहीं आएगी, समझे? देख क्या रहे हो, मारो इसे।
जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, नहीं तो बेवजह मारा जाएगा। मार डालो। ए, चला गोली। मैं कहता हूँ मार मुझे। मार चला गोली। राजा बेटा, और कितना वक्त लगेगा? हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है, मुझे भी ऑफिस जाना है बेटा। मछली फ्राई और उसके साथ चावल भी रेडी है। हाँ? कौन कहता है कि मेरा बेटा निकम्मा है।